हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, वर्क एनर्जी पावर में हम लोग चल रहे थे एंड हमारा जो टॉपिक था उसके लास्ट में हम आ चुके थे। आज हमें करना है मेनली डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें V1 और V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यही हमें सीखना है कि V1 और V2 की वैल्यू आती कैसे। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताए थे दो कंपेरिजन। एक मैंने बताया था कंपेरिजन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी से कंपेरिजन में आपको पता है कि क्या आया था, आपके पास आया था, याद करिए, M1 U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 और ब्रैकेट में V2 प्लस U2। ये आपके पास एक चीज़ आई हुई थी, याद है आपको। और एक चीज़ आपके पास आ गई थी M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं कल हमारे काम की हमारे पास पहुंच चुकी थी। अब इन्हीं से आगे हमारा डेरिवेशन बनेगा, मतलब ये दोनों चीज़ें लेकर के हमें आगे चलना है। इसके बाद एक डिवाइड दोनों को किया था और एक और रिलेशन हमारे पास डिवाइड करने से आ गया था। ओके गाइस, तो मेनली आपके सामने स्क्रीन पर दो इक्वेशन जो आपको दिखाई रहे वो ही आपके काम के हैं। एक आपके सामने इक्वेशन ऊपर वाली ये दिखाई दे रही है, देखिए क्या है, M1 U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन V2 प्लस U2। और दूसरी इक्वेशन ये M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। और कल आपने निकाली थी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, जो मेनली था आपके पास V2 माइनस V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2, जिसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर कि V2 माइनस V1 इक्वल्स टू U1 माइनस U2। तो अगर आप V1 को इस तरफ ले जाएंगे तो V2 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 और प्लस कितना आपके पास V1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं और हमारे पास दो अननोन है, एक V1 और एक V2, दो ही अननोन है, हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या क्या पता है, अब आप कहोगे सर V2 ही है ना, तो देखो ध्यान से, ये जो V2 है U1 पता है, U2 पता है, बट अपन को V1 पता नहीं है। मतलब यहाँ जो V2 है वो किसके टर्म्स में, V1 के टर्म्स में, मतलब ये भी लापता और ये भी लापता, ये दोनों का पता नहीं है। तो ये करिलेशन हमको करेक्ट आंसर नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा बताइए, बिल्कुल नहीं देगा। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो आइए कैसे करते हैं, पहला इक्वेशन ये उठा लो, सेकेंड वाला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, बाई सेकेंड से, देखिए बाई सेकेंड से अपने पास में है M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। ओके, एंड अब आप श्योर कर लो कि आपको V1 निकालना है कि V2 निकालना है। चलो मैं पहले क्या निकलवा रहा हूँ आपको, V1 निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, तो पिक्चर से V2 को गैप करना है, इस इक्वेशन की मदद से V2 को गैप कर दो। तो ये अपने पास है M1, यहाँ पे है U1 माइनस V1 और यहाँ पे है M2 और V2 को चलो हम लोग गैप करने वाले हैं। तो V2 की जगह कितना जाएगा U1 और माइनस का U2 और प्लस का कितना V1, ये कितना हो गया, ये बन गया M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू M2 U1 माइनस M2 U2, ओके, और प्लस कितना M2 V1, ठीक है ना जी। यस बेटा, लिखा ना M2 U2 लिख दिया ना, माइनस M2 U2 लिख दिया ना, और प्लस M2 V1, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना है, V1, तो ये वाली चीज़ को हम यहाँ ले आते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डबल ऐड हो जाएगा इसमें, और बाकी सबको मैं इधर ले आता हूँ। तो ये है M1 U1 है, ठीक है ना, इसको यहाँ लेके आता हूँ, माइनस M2 U1 और प्लस का M2 U2, इधर पे ये जाके क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V1, M1 V1 प्लस M2 V1, बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यार अपन ने यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन V1 कॉमन ले लें, हम V1 क्या ले लें, कॉमन, दिख तो रहा ना सभी बच्चों, यहाँ पे क्या ब्रैकेट में आएगा बेटा, M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे U1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 और ब्रैकेट में इधर पे क्या आ जाएगा U1 और प्लस M2 U2, ठीक है ना। सो V1 की वैल्यू यदि मैं लिखा उसके नीचे चला जाएगा, सो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, यस और नो, ओके, ठीक है। और एक चीज M2 U2 दो बार होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है M2 U2 कहीं पर मैं भूल गया हूँ, U2 एक बार ये है और एक बार और है, ओके 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 ओके, कहाँ पर बेटा,
एम टू वी टू माइनस यू टू, यस वी टू की वैल्यू तो रखी है मैंने, यू टू नहीं रखा, यस यस यस। तो यदि वी टू तो ठीक है और माइनस यू टू तो खोल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एम टू यू टू। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, वी टू तो ठीक है, तो वी टू तो ये हो गया यू टू, वही मैं कह रहा था कुछ मिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एम टू यू टू, बोलो हाँ। और यहाँ पे M2 U2 एक और इधर चला जाएगा, ये वाला और ऊपर से ये वाला जो पहले से था, एक ये और एक ये, तो ये टू टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ये भी क्या हो गया, टू टाइम्स। ओके सो ये हो गया U1 और प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये क्या हो जाएगा U2। बोलिए जी क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए आपकी V1 वेलोसिटी बन चुकी, तो V1 को याद करने का तरीका होता है ऐसे कि पहले डिफरेंस कर दो M1 माइनस M2 और नीचे ऐड कर दो M1 प्लस M2, पहले U1 कूद पड़ेगा बीच में प्लस लगाइए, फिर यहाँ लगाइए M2 का डबल 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा V इंटू यू टू इंटू कितना U2। तो ये देख लीजिए ये फार्मूला जो है आपका बन गया पहली वेलोसिटी V1 का, ठीक ना। तो ये वेलोसिटी V1 का जो फार्मूला है आपके सामने रेडी है, ये वेलोसिटी V1 का फार्मूला देखिए, M1 माइनस M2 U1, ओके अपॉन M1 प्लस M2 प्लस प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली बेटा अभी आपने क्या प्रूफ किया था, अभी आपने v2 को गैप किया तो v1 आ गया, अब अगर आप v1 को गैप करो क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। तो इसका उल्टा देखो क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या, ये अपने पास में आ जाएगा v2, है ना, बिल्कुल इसी का उल्टा। बोलो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये आपके पास v1 भी बन गया और ये आपके पास बेटा v2 भी बन गया है, ठीक है ना। ओके सो दोनों फॉर्मूले देख लो, बिल्कुल सिमिलरिटी। यहाँ पे क्या है, M1 माइनस M2 है, यहाँ क्या चलेगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चलेगा, U2 चलेगा, यहाँ U1 चल रहा था, यहाँ क्या चलेगा U2 प्लस, यहाँ 2M2 था, यहाँ पे क्या आएगा 2M1, ओके और यहाँ U1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा M1 प्लस M2। ये तो दोनों में सेम ही है ना, ऊपर का चेंज हो रहा है। चलिए क्लियर हो गया। तो ये V1 और V2, अब इसके अलग अलग केसेस आते हैं, वही केसेस लिखे हैं। पहला देखिए, इफ द बॉडी इज ऑफ सेम मास, इफ द बॉडीज आर सेम मास, मतलब M1 M2 दोनों ही किसके इक्वल है, मास M के इक्वल है, दोनों का मास सेम है। इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो मैंने कल बताया था कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, U1 वाला V1 जो है वो U2 बन जाएगा और V2 जो है क्या बन जाएगा, U1 बन जाएगा। आप इसको रख करके भी देख सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात है। मतलब ये देखो कुछ ऐसा हो रहा था, ये U1 वेलोसिटी से था, ये U2 वेलोसिटी से था, टक्कर हुआ, बोलो जी हाँ, है ना, ये ना, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, है ना। तो ये V1 है और ये क्या है, V2 है, ठीक है ना। तो U1 जो है ऑब्जेक्ट किसकी वेलोसिटी को गेन कर लेगा, इसको V2 को, V2 को, तो V1 इक्वल टू कितना हो गया, U2, यस और नो। और ये U2 वाला जो था, V2 जो था, इसकी ऑब्जेक्ट को गेन कर लेगा वेलोसिटी को, तो V2 इक्वल टू कितना हो गया, U1। आ गया समझ में कि नहीं आया, है ना। तो यही है, देखिए ये लिखा हुआ है कि V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू U1। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का इंटरचेंज। हेंस इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज सेम मास द वेलोसिटी इज इंटरचेंज, दैट इज इफ अ मूविंग बॉडी इलास्टिकली कोलाइड विद सिमिलर बॉडी एट रेस्ट देन मूविंग बॉडी कम इन टू द रेस्ट एंड द बॉडी एट रेस्ट विल बी विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। इसका क्या मतलब लगा रहा है, देखो भाई साहब, अगर मान लो ये मूविंग है और ये किस में है, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी कितनी, जीरो, बोलो हाँ है ना। तो टक्कर हुई तो क्या होती है, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, मतलब परफेक्टली कोलिजन के बाद ये वाला रेस्ट में आ जाएगा, बोलो हाँ, और ये वाला सेम वेलोसिटी से यू वन से मूव करेगा, ये बात हो रही है। ओके क्लियर हुआ। आप इसको निकाल भी सकते हो यहाँ पर पुट करके, चलो एक दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर एम वन इक्वल टू एम टू, एम वन इक्वल टू एम टू, चलो यहाँ पे स्पेशल केस है, स्पेशल केस मैं देख लेता हूँ, है ना। इफ एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम, इफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास इक्वल टू एम, मतलब दोनों का मास, इनिशियल फाइनल नहीं बोलेंगे, दोनों बॉडी का मास क्या होगा, सेम एम है। चलो पुट कर रहे हैं, एम माइनस एम कितना हो गया, जीरो, ये ऊपर कितना आ गया, टू एम आया, ये पार्ट तो जीरो हो गया भाई साहब, क्या बचा, टू एम, और नीचे एम प्लस एम कितना हो गया, टू एम, और फिर से कितना, यू टू, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, वी वन, इससे ये कैंसिल भाई साहब, कितना आ गया, वी वन इक्वल टू U2, आ गया समझ में ना। सिमिलरली इससे कर लोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, U1, V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, U1। यदि यहीं से निकालोगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 2m अपॉन 2m,
और यू वन ये कैंसिल हो गया, सो वी टू इक्वल टू कितना हो गया बेटा यू वन, मतलब कुल मिला के आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ये देखो ये लिखा हुआ है। अब सेकेंड केस पे आ जाओ, इफ अ ह्यूज बॉडी इलास्टिक कोलाइड विद अ स्मॉल बॉडी, समझ गए ना, इफ अ ह्यूज बॉडी कोलाइड विद अ स्मॉल बॉडी, मतलब भाई साहब इफ अ ह्यूज बॉडी कोलाइड विद अ स्मॉल बॉडी, देखो क्या हुआ, ये ट्रक है, ये क्या है ट्रक है, M1 मास का बहुत बड़ा है, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, समझ गया ना, और ये टकरा गया साइकिल से, ये क्या टकरा गया साइकिल से, तो क्या होगा भाई साहब, तो क्या होगा है ना इसकी वेलोसिटी यू की यू ही बने रहेगी, क्योंकि ट्रक के सामने साइकिल का पता चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो टक्कर के बाद जो ट्रक है वो सेम वेलोसिटी चलता रहेगा। देख लो वी वन इक्वल टू कितना आ गया यू वन, मतलब जो इसका यू वन था और जो वी वन है उसको पता भी नहीं चला, वो अपनी रफ्तार से चल रहा है, बोली जी हाँ है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और जो वेलोसिटी है इसकी साइकिल की वो क्या हो जाएगी टू यू वन, मतलब कि टू टाइम्स ऑफ यू वन, मतलब इसकी डबल रफ्तार से हो जाएगी, इसकी डबल रफ्तार से, क्लियर हो गया, इसकी डबल स्पीड से, पहले मतलब ये U2 से चल रही थी, अब ये जो है U1 का डबल, मतलब कि टू टाइम्स ऑफ U1 से हो जाएगी। आओ इसको देखते हैं कैसे करते हैं ये, है ना, तो इसको देखने के लिए क्या करना है आपको भाई साहब, इसको आपको ये जो मास है M2 ये क्या है इसके सामने नेग्लिजिबल है ना भाई, ट्रक टन में होता है और साइकिल किलोग्राम में होती है, तो इसके सामने क्या है नेग्लिजिबल है, तो वैल्यू पुट कर दो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2, M2 कितना है बेटा जीरो, M2 कितना है जीरो, नेग्लिजिबल वास, तो M1 M2 ये होगा जीरो और नीचे M1 प्लस ये तो इनटू U1 और टू इंटू जीरो, ये तो खेल ही खत्म हो गया, तो V1 इक्वल टू कितना आ गया बोलो U1 आ गया, क्लियर हो गया। अब V2 निकाल लो फिर से, तो V2 क्या होता था M2 माइनस M1, तो जीरो माइनस M1 अपॉन ये आ गया अपने पास में है ना M1, क्लियर हो गया, और टू M1 U1 और M1 प्लस जीरो, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, देखो तो V2 इज इक्वल टू माइनस यू टू प्लस टू यू वन, माइनस यू टू प्लस टू यू वन। अब देखो इफ यू टू इज जीरो, यू टू इज ये स्पेशल केस है, ये मतलब नॉर्मल वेलोसिटी यू आएगी, ये आएगी जो नॉर्मल वेलोसिटी इसकी मूवमेंट की वो ये आएगी, बट स्पेशल केस है अगर यू टू रेस्ट पे हो, यू टू क्या हो रेस्ट पे हो भाई साहब, अगर साइकिल वाला खड़ा हो, तो अगर यू टू रेस्ट पे होगा तो इसको जीरो कर दोगे तो केवल क्या बचेगा टू यू वन बचेगा, मतलब जो साइकिल होगी वो ट्रक की डबल स्पीड से आगे जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ। हेंस इफ आई ह्यूज बॉडी इलास्टिकली कोलाइड, ऊपर तो कुछ ना है ना, इफ आई ह्यूज बॉडी इलास्टिकली कोलाइड विद अ स्मॉल बॉडी देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ह्यूज बॉडी, मतलब ट्रक की वेलोसिटी में कोई, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कौन ने पड़ गया, बोलो हाँ है ना, बट इफ द स्मॉल बॉडी इनिशियली एट रेस्ट गेट्स थ्रोन अवे विद ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ह्यूज मूविंग बॉडी, समझ गए, मतलब जिसको टक्कर लगेगी भाई साहब वो डबल वेलोसिटी जाए फुटबॉल जैसा, समझ गए ना, कोलिजन ऑफ ट्रक विद अ ड्रम, कोलिजन ऑफ ट्रक विद अ ड्रम, वो ड्रम साइकिल कुछ भी मान लो, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम। सेकेंड सेकेंड भाई साहब, थर्ड केस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस चल रहे भाई साहब, याद रखना है, इफ आई स्मॉल बॉडी इलास्टिकली कोलाइड विद अ ह्यूज बॉडी, भाई साहब यहां से साइकिल गई और साइकिल जा करके ट्रक में टकरा गई, लियो साइकिल जाके किस में टकरा गई ट्रक में, क्या ट्रक को कुछ, ट्रक को कुछ होगा, मतलब ये यू वन था और ये कितना था यू टू, टकराने के बाद ट्रक को कुछ नहीं होगा, ट्रक की फाइनल वेलोसिटी वी टू कितनी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, ये देख लो वी टू इक्वल टू कितनी आ रही है यू टू, बोलो हाँ क्लियर हो गया, और ये टकराने के बाद उल्टी वेलोसिटी से वापस आएगा, क्योंकि कोलिजन क्या परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जो वी वन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस यू वन, कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, समझ में आ गया। अब करना क्या अपन को, अब अपन को ये पहली वाली को बहुत छोटा लेना, मतलब M1 नियर अबाउट जीरो, M1 नियर अबाउट जीरो, ठीक है ना, तो चलिए देखिए ये देखते हैं, यस इस M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, ये देख लो भाई साहब, तो M1 को लगभग जीरो कर दो, तो जीरो माइनस M2 U2 अपॉन जीरो प्लस M2 U2, बोलो M2 से M2 क्या हो गया कैंसिल और माइनस वन बन गया, और ये M2 से M2 कैंसिल हो गया टू M2 U2, तो देखो भाई साहब V1 इक्वल टू माइनस U1 प्लस टू U2, माइनस V1 प्लस टू U2 आ गया, समझ में ना, ये देखो यहां से आ गया माइनस U1 और यहां से M2 कैंसिल तो टू U2। अब इन केस अगर ये ट्रक खड़ा हुआ है, इन केस अगर ट्रक क्या हुआ है खड़ा हुआ है, मतलब U2 इक्वल टू कितना
जीरो, तो टकरा करके उसी स्पीड से बाहर आ जाएगा। तो वी वन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का यू वन। हाँ है ना। अब वी टू निकालने भाई साहब, वो कोई फर्क ही ना पड़ेगा। वी टू के लिए फॉर्मूला ये एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू प्लस टू एम वन यू वन, बोलो हाँ, अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्लियर ना। तो ये देखिए भाई साहब, एम टू माइनस एम वन जीरो है, यहाँ भी जीरो, तो एम टू से एम टू कैंसिल, तो कितना आ गया, यू टू आ गया। क्लियर हो गया ना। मतलब हैंस इफ ए स्मॉल बॉडी इलास्टिकली कोलाइड विद अ ह्यूज बॉडी रेस्ट, देन देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ह्यूज बॉडी। ओके, इफ द ह्यूज बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, द स्मॉल बॉडी रिबाउंड बैक विद द सेम स्पीड, एग्जाम्पल कोलिजन ऑफ अ बॉल विद अ वॉल। बिल्कुल वही बॉल वाला सिस्टम, बॉल दीवार जो एकदम हाई हैवी मास है कि नहीं है, और बॉल लौट करके वापस आ जाती कि नहीं आती है। क्लियर हो गया ना। हाँ, ये हो गया। इन इलास्टिक कोलिजन मैंने कल बता दिया था आपको, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का सर्वनाश हो जाता है, यस और नो। इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन बॉडीज आर परफेक्टली कोलिजन, इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन बॉडीज आर परफेक्टली इन इलास्टिक, यह सही बोल रहा है। हेंस देयर इज मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, हैव नो टेंडेंसी टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, ड्यू टू विच दे कंटिन्यू मूविंग विद द सेम कॉमन वेलोसिटी। बताया था मैंने, स्कूटर डब्बे के अंदर घुस गई, सेम वेलोसिटी दोनों चलने लग गए। इन सच कोलिजन ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज हैज बीन कंज्यूम्ड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज, परमानेंटली कंज्यूम इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव इन इलास्टिक फोर्स। कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से बर्बाद हो जाएगी। धूम धड़ाम, टक्कर, लाइट, आग, आवाज। ओके, hence in such collision energy conservation cannot be applied, only क्या लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। p initial equal to p final m1 u1 equal to m2 u2, बोलो हाँ। टकराने के बाद पापा की परी और ठेला दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे, m1 v और प्लस m2 v। m1 m2 कॉमन ले लिया, v साइड में आ गया, बोलो हाँ, है ना। तो v भाई साहब इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। यार इसके बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और आते ही हैं, कमाल की बात है इसके क्वेश्चन आते हैं। अब पार्शियली, और मैंने बता दिया था आपको कि पार्शियली में जो था, हाँ, v2 माइनस v1 जो है रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 से कम होती है, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो गया ना। क्यों होती कम, कल मैंने बताया e इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यस नो। और देखिए भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e की वैल्यू 1 होती है, और ये देखिए पार्शियली इलास्टिक के लिए e क्या होता है, लेस देन 1, है ना। तो e लेस देन 1 हुआ करता भाई साहब, तो e लेस देन 1 कर दो यहाँ से, तो इसको लेस देन 1 कर दो, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, तो v2 माइनस v1 लेस देन कितना हो जाएगा, u1 माइनस u2। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो बन जाएगा। तो ये मतलब इसको कह दो पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक। तो डोंट वरी बच्चों, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ई की वैल्यू दे देंगे, वो किसकी वैल्यू दे देंगे, ई की वैल्यू। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपको दे देंगे, तब वो कहलाएगा पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक। अब इसके बाद आता है टू डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, अगर आपने कैरम खेला बच्चों तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। यार ये देखो यार, ये स्ट्राइकर है, क्या ये अपना पीछे स्ट्राइकर है, ये कोई नीली वाली गोटी है, इसको लाल बना दो, क्वीन बना दो, मजा आ जाता। तो ये स्ट्राइकर है, ये गोटी रखी हुई है, बोलो हाँ ना। आप इसको मारना चाहते हो कट, क्या मारना चाहते हो कट। तो ये देखो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर रखा, बल्कि थोड़ा सा और नीचे रहेगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, देख लो भाई साहब, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है कि नहीं है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है कि नहीं है। तो जब जाओगे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से नहीं जाएगा, हिंड सेंटर ऑफ मास होता सीधा जाता, बोलो ऐसा नो। ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये u1 वेलोसिटी और ये कौन सी वेलोसिटी, u2। इस तरीके से इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। अब जैसे ही इस तरीके से इंपैक्ट होगा तो ये इसको धक्का मारेगा तो कहां निकलेगा, नीचे, बोलो हाँ ना। क्लियर हो गया। और ये कहां निकल जाएगा, ये इसको धक्का देकर के हल्का सा निकल करके ये इधर निकल जाएगा, बोलो ऐसा नो। ऐसे ही होता है ना भाई, जब गोटी मारते हो, कट मारते हो कैरम में, बोलो ऐसा नो। तो मान लो भाई साहब, ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल निकल लिया थीटा पे, और ये निकल लिया फाई पे, किस पे निकल लिया, दोनों एंगल अलग अलग हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू वन थी इसकी, यू टू थी इसकी, भाई साहब फाइनल वेलोसिटी वी वन है और इसकी कितनी है, वी टू, बोलो ऐसा नो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो हाँ ना। तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, वी वन कॉस थीटा, हाँ है ना। और अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, फाई, तो ये बनेगा वी टू कॉस फाई, फाई वी टू कॉस फाई। और ये क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी टू साइन फाई, और ये वी वन साइन फाई, बोलो ये सुनो। अब थीटा बेटा, हाँ सॉरी,
अब इसमें हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे क्योंकि इलास्टिक है। तो पहले मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन पहले लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, क्योंकि भाई नेट एनर्जी इसकी कितनी है वी वन ना, और एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, उससे डायरेक्शन का क्या मतलब, प्लस वन अपॉन टू एम टू कितना वी टू स्क्वायर, ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो जी हाँ या ना, ये लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। अब मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो दो पार्ट में मोमेंटम बटेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ अब देखो भैया कि जो पार्टिकल है, जो अपना पहला पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल हैं, इनिशियली इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम इसका कितना था m1 v m1 u1, इसका कितना था m2 u2, हाँ है ना, और उसके बाद ये मोमेंटम इधर कितना हो गया m1 v1 cos थीटा और m1 v2 cos फाई, ये सुनो। तो भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंपेयर करेंगे तो m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 cos थीटा plus m2 v2 cos फाई, इक्वेशन नंबर वन। बोलो हाँ है ना। अब y एक्सिस के लिए बात कर लो, y एक्सिस में तो भैया शुरुआत में जब वो लड़ने आए थे तो y डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं थी, तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन का कितना था जीरो, बट फाइनल में एक बढ़ गया ऊपर साइन थीटा और नीचे बच गया साइन फाई, याद आया। तो पहले वाले का ऊपर वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 sin थीटा माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे है m2 v2 sin फाई इक्वल टू कितना जीरो, क्योंकि कुछ है ही ना। बोलो हाँ है ना। तो इसको इधर इधर करके ले आए, बोलो हाँ है ना, बस बन गया, इतना ही डेरिवेशन है। अब बोलोगे सर आगे क्यों नहीं हुआ, अरे आगे कैसे हो जाए, क्या मैंने आपको थीटा दिया नहीं दिया ना, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो स्वादानुसार हाँ है ना, जैसा एंगल वैसा लगा देना और सॉल्व कर लेना। बोलो ये सुनो, चलो क्लियर हो गया ना। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म। देखिए एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, वर्क मैंने पढ़ाया तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, फिर मैंने आपको टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ाई जिसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम बी एच, और इलेक्ट्रोस्टैटिक ओए क्या बोल गया मैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया ना। फिर पावर एवरेज पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, फिर इंस्टेंटेनियस पावर पलक झपकती क्या बोलो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इसी को बोलते हैं बेटा एफ डॉट वी, हाँ याद आएगा। और फिर मैंने इलास्टिक कोलिजन पढ़ाया, मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, है ना, और क्या बोल गया इलास्टिक, और फिर